नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। इस समय पेंशन धारकों को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जो ओल्ड एज पेंशन थी या जो विधवा महिलाएं थी उनके लिए जो पेंशन थी या जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए जो पेंशन थी उनको लेकर एक सरकार द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल मच गया था। आपको बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज पेंशन इस समय 70 से 80 वर्ष की जिनकी आयु है उनको इस समय ये नहीं पता चल रहा कि आखिर किस तरीके से वो अपनी वापस पेंशन ले सकें, क्योंकि फिलहाल की बात करें तो इस समय जितनी भी प्रकार की पेंशनें सरकार द्वारा लोगों को दी जाती थी वो इस समय बंद हैं। आखिर क्यों बंद की गई, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगर आपको वापस पेंशन लेनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो ओल्ड एज पेंशन का बताते चलें, जो ओल्ड एज पेंशन सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई थी, ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको सबसे पहले जो दस्तावेज जरूरी हैं आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड या बिजली बिल के माध्यम से भी आप उस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड आपका AY होना चाहिए या PHH राशन कार्ड होल्डर होना चाहिए, तभी आपको इस पेंशन का जो लाभ है वो मिलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड चलेगा। उसके बाद अगर आपको बात करें कि जो बैंक अकाउंट है, इस समय हर बैंक में खाते तो हर किसी का खुला है, लेकिन उसको आधार के साथ खाता लिंक होना जरूरी है। अगर आपका खाता आधार के साथ सीडेड नहीं है तो भी आपको पेंशन का लाभ मिलना मुश्किल है। उसके बाद आपको जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको बताते चलें कि जो लोग इस समय 70 या 80 वर्ष की आयु के हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर वो जो BMO ऑफिस है वहां से वो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक एफिडेविट है, वो ले सकते हैं। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां से वो सर्टिफिकेट लेकर आपको जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वहां से आपको अटेस्ट करवाने के बाद तहसीलदार के साइन होंगे। उसके बाद जितने भी ये दस्तावेज हैं, डोमिसाइल हो, आधार कार्ड हो, बैंक की कॉपी हो और राशन कार्ड लेकर आपने किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाना है और वहां पर वो पोर्टल पर आपके जो सुविधा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, उसके बाद ही इस पेंशन का लाभ जो है वो आपको मिलेगा। ये जो ओल्ड एज पेंशन के डॉक्यूमेंट थे आपको बताए, उसी की बात करें तो जो इस समय विधवा महिलाएं हैं उनके लिए जो है वो एक डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, उनके जो घर वाले की डेथ हुई है जब उसका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। और उसके लिए एक और नया जो अपडेट सरकार द्वारा निकाला गया है उसमें नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट भी एक गेस्टेड ऑफिसर से लाना अनिवार्य होगा। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें ज़्यादा चेंजिंग कुछ नहीं की गई है, उसमें सिर्फ आपको एक अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो करना है, उसके बाद जितनी भी जो स्कीमें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद जितनी भी ये फाइल कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनलाइन दुकान पर पहुंचना होगा और वहां पर आप अपनी ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फाइल को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। अगर इस प्रकार की अगर ये डॉक्यूमेंट और इस तरीके से अगर आप अपनी फाइल नहीं बनाएंगे तो आपका जो पेंशन का लाभ है वो कट जाएगा, आपको पेंशन जो है आके भविष्य में पेंशन नहीं मिलने वाली है। और सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस समय जितने भी लोग हैं, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है, हर प्रकार की पेंशनें जो हैं इस समय सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं। नई प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सब फिर से लागू किया जाएगा और मैं जहां पर पंच सरपंच BDC और DDC से ये अनुरोध करता हूं, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने हमसे गुजारिश की कि किसी प्रकार के अगर कैंप पंचायत लेवल पर लगाए जाएं तो कहीं ना कहीं हमें सहूलियत जरूर मिलेगी। तो मैं उन पंचों और सरपंचों से गुजारिश करता हूं कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं आप किसी न तरीके से कंसर्निंग डिपार्टमेंट से आप उनसे बातचीत करके कैंप ऑर्गेनाइज कराए जाएं, ताकि जो
हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं हैं बुजुर्ग हैं, जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिले, ताकि वो हॉस्पिटल के चक्कर हो जा, कोर्ट के चक्कर हो जा, तहसील के चक्कर हो, वो काटने से बच जाएं। जिस तरीके से पहले जनता दरबार लगाए जाते हैं, जनता दरबार में हर समस्या का समाधान होता था, उसी प्रकार बुजुर्गों के लिए भी कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए मेरे कैमरामैन अंकुश के साथ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।